जय हिंद साथियों, एक छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ जो कि कुछ दिनों पहले की है और सच्ची घटना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में एक टीचर प्रोफेसर साहब पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते उनकी नज़र गई पीछे की बेंच पर, तो देखा एक लड़का सो रहा है। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि बेटा क्यों सो रहे हो? तो लड़के ने कहा कि सर कुछ नहीं, नींद आ गई, अब नहीं सोएंगे। प्रोफेसर पढ़ाने लगते हैं। अगले दिन देखते हैं प्रोफेसर फिर से वही बच्चा पीछे की सीट पे सो रहा होता है। इस तरह से कई दिन बीते, 4-5 दिन बीते, और प्रोफेसर साहब रोज़ देखते थे कि बच्चा सो जाता है। उसको डांटते थे तो तभी सो जाता था। तो एक दिन प्रोफेसर साहब ने कहा कि क्लास ख़त्म हो जाए तो बेटा बाहर हमसे मिलो। जब क्लास ख़त्म हुई, बच्चा प्रोफेसर साहब से मिलने गया, तब प्रोफेसर साहब ने अकेले में पूछा कि बेटा दिक्कत क्या है, तुम सो क्यों जाते हो क्लास में? बच्चे ने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे ही। टीचर ने कहा नहीं बताओ, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, आखिर दिक्कत क्या है, आप सो क्यों जाते हैं क्लास में? बच्चा रोने लगा और फिर बोला कि सर जी मैं 2 बजे डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ और रात 10 बजे तक साइकिल चलाता हूँ। दोपहर के 2 बजे से रात 10 बजे तक साइकिल चलाता हूँ, डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ, काफ़ी थक जाता हूँ, फिर 10 बजे सो जाता हूँ और सवेरे 3 बजे फिर उठ जाता हूँ। प्रोफेसर साहब ने कहा 3 बजे क्यों उठ जाते हो? लड़का कहता है सर 3 बजे उठ जाता हूँ क्योंकि मुझे पेपर फेंकना होता है, क्योंकि पेपर कमीशन मिलता है, पेपर में जितने पेपर हम जितने घरों में बांट पाएंगे उस हिसाब से पैसा मिलता है, तो जितने ज़्यादा हम पेपर बांटेंगे उतना उसको पैसा मिलेगा, तो इसलिए घर पे तो पढ़ नहीं पाता हूँ और घर परिवार के लिए कमाना भी ज़रूरी है, परिवार को पालने के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन सर मैं पढ़ना भी चाहता हूँ, मैं घर पे नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जब कॉलेज आ जाऊँ तो भले ही घर पे ना पढ़ पाऊँ लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ तो सुनूँगा, कुछ ना कुछ मेरे कान में जाएगा और मैं कुछ ना कुछ सीखूँगा। उस बच्चे की बात सुनकर के प्रोफेसर साहब भी उदास हो गए और सोचने लगे कि बच्चा बहुत मेहनत करता है और इसको शिक्षा का महत्व तो पता है। तो इस छोटी सी कहानी से मैं भी आपको ये बताना चाहता हूँ, जो भी भाई बहन पढ़ रहे हैं वो शिक्षा के महत्व को समझें। शिक्षा का मतलब, पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं कि आपको केवल नौकरी की तलाश है या केवल नौकरी के लिए पढ़ाई की जाती, नहीं, शिक्षा का उद्देश्य आपके चरित्र का निर्माण करना है। तो आप पढ़ाई करिए, पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे उद्योगपति कंपनी वाले ये भी चाहते हैं, या कुछ पॉलिटिकल लोग ये भी चाहते हैं कि आप पढ़े लिखे ना, हाई स्कूल इंटर कर लें, जैसे तैसे कम पढ़ाई करें ताकि उनको कम पैसे में काम करने के लिए एम्प्लॉय मिल जाए। आप अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो 10-5 हज़ार में कहीं भी काम करने लग जाएंगे, लेकिन अगर आप पढ़ाई करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, PhD करेंगे या हायर एजुकेशन में जाएंगे, तो आप अपने लिए आप अपने अधिकारों की मांग करेंगे, सरकार से रोज़गार मांगेंगे, आप अपने लिए अधिक पढ़ेंगे तो उचित सैलरी, आपका जो वेतन होगा आप उचित वेतन के लिए मांग करेंगे, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं तो आप अपने लिए अधिक वेतन या उचित वेतन, उचित मानदेय आप कैसे कर पाएंगे? आप अपने अधिकारों के बारे में कैसे जागरूक होंगे? जागरूक आप तभी होंगे जब आप पढ़ेंगे। तो जितने भी जो भी भाई बहन पढ़ रहे हैं, शिक्षा के महत्व को जरूर समझें और काम करें, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, हायर एजुकेशन में ज़रूर जाएं, अच्छा से अच्छा पढ़ाई करें ताकि आप उन्नति कर सकें और एक बेहतर आपका जो चरित्र निर्माण हो वो बेहतर हो, दूसरों से अलग हो।